झारखंड के गोड्डा जिले के एक आश्रम की साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। अज्ञात सिरफिरों ने अपनी हवस बुझाने के लिए एक ऐसी महिला को निशाना बनाया जो इस दुनिया की मोहमाया से दूर महर्षि आश्रम में रहती है। दरअसल गोड्डा जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूरी पर जीवन दर्शन सिखाने वाले महर्षि में ही दास आश्रम में मानवता तार तार हो गई, जब हवस के पुजारियों ने साध्वी को ही निशाना बना लिया। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के रानीडीह पंचायत के टाडावार गांव की है। यहां देर रात 4 दरिंदे आश्रम में दीवार फांद कर घुस गए और कमरे में सोई दो साध्वी पर अपनी हवस बुझानी शुरू कर दी, लेकिन एक किसी तरह उन दरिंदों के चंगुल से भागने में सफल रही। सुबह आश्रम वालों ने पुलिस को सूचना थाने में आकर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मुफसिल थाना में दो नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में BJP ने सरकार पर हमला किया है। प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि जो अमानवीय घटना हुई है और जिस तरह से आपराधिक तत्वों ने उनके साथ बलात्कार किया है, राज्य सरकार को इस मुद्दे को काफी चुनौतीपूर्ण ढंग से लेना चाहिए। न्यूज़ डेस्क।